इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बना। देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है, ये हमारा ब्लाउज है, देख रहे हैं आप, इसमें चौड़ा वाला बॉर्डर है और इसमें मैं बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाने वाली हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखें और वॉल नेक आएगा इसमें। तो देखिए ये अस्तर है, तो ड्राफ्ट हम अस्तर पर कर ले। ब्लाउज की लंबाई 15.5 इंच ली है और ये हमारा 44 साइज का ब्लाउज है, मैंने 13 इंच लिया है। अब जब हम इसको तैयार करेंगे तो 11 इंच आएगा, फोर्थ भाग। यहाँ पर हम 2 इंच का जो मार्जिन लिया है लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये डिज़ाइन आप किसी भी साइज़ में डाल सकते हैं। देखिए इसके जो मुड्डे लिए मैंने 6.5 इंच लिए हैं और इसका शोल्डर मैंने 7.25 इंच लिया है। आधा इंच शोल्डर पर स्टिचिंग में चला जाएगा जो हमारे मुड्डे में रहेगा सिलाई, और 7 इंच का शोल्डर हमारा तैयार रहेगा। अभी हम ऊपर का नेक लेते हैं, तो देखिए शोल्डर से 4 इंच ले, और आप जितना डीप पहनते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। जो मैं ले रही हूँ आप उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इसको 11.5 इंच लिया, ये हमारा पूरा नेक रहेगा। अभी हम ऊपर के नेक में इसी में से 3 इंच पे एक डॉट लगा लेते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसमें जो गुलाई देंगे वो 1.5 इंच की देंगे। ये ऊपर का नेक रहेगा और देखिए यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ देंगे, 1 इंच पे एक बॉक्स बना लेंगे। और जो ये नेक है इसमें अभी डिजाइन ड्रॉ करते हैं कि इसमें मैं नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड करूँगी क्योंकि इसमें डिजाइन आने वाली है तो उसके लिए थोड़ा ब्रॉड चाहिएगा। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से जो हमने ये 1 इंच लिया है आधा इंच ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से इसकी शेप देंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे। और ब्रॉड करते हुए इस तरीके से, और देखिए थोड़ा सा हमारा नीचे की तरफ ये उतर जाएगा क्योंकि इसमें डिजाइन आएगी तो ऑलरेडी ये क्लोज हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से इसकी शेप आएगी। तो इसको हम सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेंगे, इस पार्ट को भी और ऊपर का नेक। कैनवास को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, जो हमारा नेक का ड्राफ्ट है इसको मैंने पूरा ब्लाउज को ही रख लिया है। तो देखिए सेम यहाँ से लेके हम पूरा ऊपर तक के नेक का कट कर लेंगे, इसकी चौड़ाई 1/2 इंच ले। देखिए मैंने कैनवास कट कर लिया है, नीचे मैंने सीधा ब्लाउज रख दिया है, उसके ऊपर अस्तर और उसके ऊपर जो कैनवास कट किया है वो। तो देखिए यहाँ से लेते हुए हम पूरे नेक को ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। अब एक साइड में हम यहीं पर एक लुक लगा देंगे, जैसे क्या है उसकी फिनिशिंग अंदर की तरफ आ जाएगी, और जो ऊपर का नेक है इसको कट कर देंगे, इस नेक को कट कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे। कमर में भी स्टिचिंग डाल दूंगी, बाद में इसकी फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी डिजाइन देने वाली हूँ उसके बारे में बता। देखिए डिजाइन देने के लिए कुछ मैंने पीस कट कर लिए हैं, साइज़ बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने 3.25 इंच चौड़ाई, 3.25 इंच लंबाई, जो कि ये ट्रायंगल के लिए हम यूज करेंगे। और देखिए इनका हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इसका लुक इस तरीके से आएगा। लेकिन हम बीच में यहाँ पर डोरी भी अटैच करने वाले हैं, तो उसके लिए डोरी बनाने के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है। देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और लंबाई ले लेंगे क्योंकि हमको कम से कम इतनी लंबी डोरी चाहिए होंगी। तो इसका साइज़ बता देती हूँ, देखिए 5.5 इंच के आसपास हमको डोरी की लंबाई चाहिए। तो जब ये डोरी बन जाएंगी और जो हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इन ट्रायंगल को जैसे बताया इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डोरी को इसके बीच में कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, तो क्या है डोरी की फिनिशिंग भी अंदर की तरफ चली जाएगी और किनारे पर सिलाई डाल के इसकी अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैं ये डोरियाँ को तैयार करूँगी और ट्रायंगल को भी, और डोरी को इस तरीके से आपको किनारे पर सिलाई डाल के इसको पलट देना है, जैसे नॉर्मल डोरी बनाते हैं सेम उसी तरह से। आप चाहें तो रेडीमेड डोरी भी यूज कर सकते हैं। और देखिए कुछ फ्लावर बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने पीस कट कर लिए हैं। तो देखिए जैसे बचे हुए टुकड़े हैं, तो कम से कम 2 इंच का कपड़ा ले लें चौकोर में और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एक फोल्ड और करेंगे, देखिए ये भी ट्रायंगल हो जाएगा, और यहाँ पे हम बड़ी बड़ी सिलाई डाल के इसको खींच लेंगे। तो जब ये खींच लेंगे हम तो इस तरीके का ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। इससे फिर हम फ्लावर बनाएंगे और इसको देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने पूरे नेक से इसको स्टिच कर लिया है, कमर में भी सिलाई डाल दी है, नेक जो था उसको कट कर दिया है, और अभी हम इसको पलट। देखिए मैंने इसको पलट दिया है और अभी हम इसको किनारे पर सिलाई डाल के पूरा तैयार कर ले। तो देखिए इसको मैंने चारों तरफ से पूरा स्टिच कर दिया है, प्लेट भी डाल दी है। तो देखिए ये पार्ट हमारा तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख देते। तो देखिए जो हमने ट्रायंगल बनाने के लिए कपड़ा लिया था ये वो है, और देखिए जैसे कपड़ा लिया था डोरी बनाने के लिए मैंने डोरी तैयार कर ली है, और जो फ्लावर बनाने के लिए जो पीस कट किए थे
इनका फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये ट्रायंगल के लिए कपड़ा लिया है, ये ट्रायंगल तैयार कर लेते हैं। और जो डोरी है इसमें मैं मोती डालूंगी, तो आप अपने साड़ी के कलर के अनुसार इसमें मोती डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने ये दो कलर लिए हैं मोती, तो एक कलर का एक लाइन और दूसरे कलर का दूसरा लाइन, इस तरीके से डालेंगे। तो देखिए जो मोती है हम यहाँ से निकाल देंगे, देखिए इस तरीके से, और साथ में ही दूसरा भी डाल लेते हैं क्योंकि इस डोरी को बीच में से फिर कट कर देंगे। तो देखिए ये दो मोती इस तरीके से आ चुके हैं। अभी जो हमने ट्रायंगल के लिए कपड़ा लिया है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। और देखिए डोरी के एक छोर को हमें यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और एक सिलाई नीचे की तरफ भी डाल देंगे। इसी तरह से इस ट्रायंगल को भी इसी तरह मैं और भी पीस तैयार कर लूँगी। अभी जो फ्लावर बनाने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए इस तरीके जो पीस है इसको हम यहाँ पे इस तरीके का फोल्ड कर लेंगे और एक फोल्ड और कर लेते हैं। और यहाँ पे हम धागे से, इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही आपको करना है। तो सेम कलर का धागा ले लें। धागा लेने के बाद एक साइड से इसमें बड़ी बड़ी सिलाई डाल देंगे और धागे को खींच देंगे। देखिए इस तरीके का ये हमारा फ्लावर जो ट्रायंगल है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और एक यहाँ पे एक सिलाई टांका लगा देते हैं जैसे ये यहीं तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसमें और भी पीस लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये 7 पीस ले लिए हैं। और देखिए अभी धागे को हम इस तरीके से खींच देंगे। खींचने के बाद ये हमारा इस तरीके का फ्लावर, इसको इस तरीके से पलट देते हैं और इसको बराबर से एकदम खींच लेते हैं। और ये देख लें कि ये जो पीस हैं ये हमारे पीस हैं बराबर से आ जाए, ऐसा नहीं हुए दब जाएँ, फिर दब जाएंगे तो फिर फ्लावर अच्छा नहीं आएगा। और इस तरीके से करते हुए यहाँ पे हम इसको पीछे की तरफ बांध देते हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा था वो कपड़ा मैंने कट कर लिया है और इस फ्लावर को इस तरीके से हम खोल देंगे। जो हमारे ये 7 पीस हमने अटैच किए हैं इन पीसों को इस तरीके से खोल देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके का फ्लावर तैयार हो जाएगा। और यहाँ बीच में कोई भी एक बटन लगा देंगे जिससे यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैंने सेम कपड़े का एक बटन बना लिया है और इस बटन को मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। आप कोई भी इसमें बटन यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो ये धागा है इसी धागे से हम इसको बटन को भी स्टिच कर देते हैं। देखिए ये फ्लावर भी तैयार हो चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए ये ट्रायंगल और मोती वाली डोरी भी तैयार हो चुकी हैं और अभी हम इनको अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम पेपर पे सबको अटैच कर लेंगे और उसके बाद फिर फ्लावर में भी इन डोरियों को स्टिच करना है। तो पहले हम पेपर ले लेते हैं। देखिए मैंने नीचे पेपर रख लिया है, अभी जो ब्लाउज का ड्राफ्ट है उसको रख लिया। तो देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक लूप लगा दूँगी, तो मैंने लूप लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक बटन लगा देंगे तो इसका लुक यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी शेप में हम मार्किंग कर, ब्लाउज को मैंने हटा दिया है। अभी हमारा जो ये फ्लावर है इसको हम बीच में रख लेंगे इस तरीके से। मैंने धागा कट नहीं किया है, इसका सेंटर ले लेंगे। तो जैसे कि ये हमारा सेंटर में, अभी जो हमने ये ट्रायंगल वाली डोरी तैयार करी है इनको इस तरीके से यहाँ पे देख लें, तो जो ये डोरी है ये यहाँ पे इस तरीके से स्टिच हो जाएगी। तो देखिए जो ये पीस है हमारे इनके बीच में ये डोरी आनी चाहिए, इस हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। पहले पेपर पे इस तरीके से सेट करके देख लें कहाँ कहाँ पे हमारी ये डोरी आने वाली है। जैसे ये डिज़ाइन है इन डिज़ाइनों में भी इस तरीके से आ जाएगी। और साथ ही साथ जो ये डोरी हैं इनको हम पेपर में पेन से तैयार करते हुए जाएंगे। इससे क्या होगा फिर हमको सिलाई लगानी है खाली। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पिन लगा लेते, मैंने इस तरीके से यहाँ पे पिन से सेट कर लिए हैं। और ये देख लें ये डोरी हमारी लूज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से खींचते हुए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम यहाँ पे कट कर देंगे। और जो ये फ्लावर है तो फ्लावर इनके ऊपर इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। जैसे हमने डिज़ाइन लिया सेम उसी तरह से हाथ से हम स्टिच कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या है, जो डोरी इकट्ठी हो रही है इन डोरियों को हम यहाँ पर पहले मशीन से स्टिच कर लेते हैं पेपर के साथ। देखिए ये स्टिच कर दिया है। और जो ये फ्लावर है यहाँ पे हम, जैसे हमने बताया था डोरी हमारी इस गैप के बीच में आनी चाहिए, इस तरीके से हम इन डोरियों को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। एक बार बड़ा बड़ा सिलाई डाल लेंगे फिर बाद में उसको अच्छे से तैयार कर देंगे।
देखिए इसको फ्लावर को भी मैंने अभी स्टिच कर दिया है, बाद में टाइट कर देंगे। और अभी हमारा जो ब्लाउज है इसको भी इसमें अटैच कर दें। तो देखिए जो इस तरीके से ये ट्रायंगल जो हमारे यहाँ पर देखेंगे, तो जो पिन हमने ट्रायंगल में लगाई थी उस पिन को अभी हम ब्लाउज में अटैच कर देंगे इसके साथ ही। तो यहाँ पर ऊपर से इस तरीके से रख लेंगे एक साइड से, और यहाँ से पिन निकाली और इसी में हम अटैच कर देंगे। बाद इसमें लेस लगा के इसकी फिनिशिंग दे। तो देखिए मैंने पेपर निकाल दिया है, और देखिए ये मैंने लेस ली है जो कि नेक को यहाँ से लेके पूरे नेक में इस लेस को हम स्टिच कर देंगे, और एक लाइन कमर में। देखिए ये लेस मैंने कमर में भी स्टिच कर दी है, जो हमारा नेक का शेप था सेम शेप में स्टिच कर दी है। और देखिए ये जो ट्रायंगल बनाए थे मैंने यहाँ पे एक एक मोती स्टिच कर दिया है गोल्डन कलर का छोटे साइज का। और देखिए जो बटन लगाया था इसके राउंड में भी मैंने ये छोटे वाले मोती स्टिच कर दिए। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है ब्लाउज का। और पहनने के बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने एक बटन लगा दिया है जो लुक लगाया था उसके अंदर, तो काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना